दोस्तों सीन अभी ऐसा है कि मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, लेकिन ऊपर जाने से पहले तो भाई ये मैंने चार्जर ले लिया। ये देखें अभी तक जो है फिलहाल मेरे रूम में कोई भी नहीं आया। अमूमन दोस्तों ये हमारा चल रहा है लंच टाइम, सबसे बड़ा कंगला ये बैठा हुआ। मुर्गे देखे मेरे आते ही, जैसे मैं घर में घुसता हूँ ना, ये बैठे हुए या लेटे हुए होते हैं तो फौरन अलर्ट खड़े हो जाते हैं। ये देख रहे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने और अब पागल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज दिन जो है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो बस अभी भी मैंने बाइक उतारी, ये मेरी बाइक है, तो बस अब बाइक को किक मारेंगे, ऑफिस चलेंगे और आज का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे जरा सी आधे घंटे की या 15 मिनट की बारिश ने जो है कितना बुरा हाल किया है। कीचड़ चेक करें तो देखें यहाँ पे कितना गहरा गड्ढा हो गया, और सामने कीचड़ चेक करें तो ये इसी तरह जो है ना सब जगह पे हो गया। जरा सी बारिश होती है 15 मिनट 20 मिनट की, आधे घंटे की, और इतना बुरा हाल हो जाता है कराची शहर का। इसलिए हम जो है वो दुआ करते हैं कि बारिश और रहमत वाली हो, जहमत वाली ना हो। तो दोस्तों सीन अभी ऐसा है कि मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, लेकिन ऊपर जाने से पहले नीचे एक मोबाइल शॉप है, वहां से मैंने अपना मोबाइल फोन एंड्रॉइड फोन का चार्जर लेना है। मेरा चार्जर खराब हो गया तो चार्जर लेते हुए ऊपर चलते हैं, उसके बाद जाके मोबाइल चार्ज पर लगा देंगे, सबसे मोबाइल चार्ज नहीं पाऊंगा। ये चेक करें आपकी जरा सी बारिश हुई है, कीचड़ देखें यहाँ पे दिखती हुई है, हर जगह जो है पानी पानी भरा हुआ, वहाँ पे इतनी कीचड़ चलने की जगह। तो ये सामने मोबाइल शॉप है, यहाँ से मैं अपना मोबाइल का चार्जर लूंगा एंड्रॉइड फोन का, फिर ऊपर चलेंगे। तो भाई ये मैंने चार्जर ले लिया एंड्रॉइड फोन का, इतनी महंगाई हो गई है। ये छोटा सा चार्जर जो पहले 400-500 रुपए का मिलता था, अब 800 रुपए का मिला। ये मस्जिद है ऑफिस की, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये लिफ्ट है यहाँ पीछे, आज जरा सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा है, लोग कम लग रहे हैं, लोगों इस टाइम जो है लिफ्ट पे रश लगा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त लोग नहीं है लिफ्ट पे। तो दोस्तों ऑफिस में आ चुके हैं, आज जो है वो थोड़ा सा बिजी डे, थोड़ा सा काम है ऑफिस का। एक तो जो है वो हमारी कॉल है क्लाइंट के साथ, उन्हें हमें ब्रेकिंग दे दिए, तो 2:30 बजे तक मैं कॉल है, और 1.5 से 2 घंटे की कॉल होगी, तो वो थोड़ा सा काम है। उसके अलावा मैंने एडिटिंग का काम तो रात को ही कर लिया था, और इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट का काम है सॉ यूनिवर्सिटी के, वो भी करते हैं। तो मैं ऑफिस चलते हैं, सारे काम खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से फारिग होंगे, फिर घर की तरफ चलते हैं। ये देखें अभी तक जो है फिलहाल मेरे रूम में कोई भी नहीं आया। अमूमन जब मैं इस टाइम ऑफिस आया करता था 10-10:30 बजे, तो 1-2 लोग जो है वो मौजूद होते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं आता हूँ तकरीबन अपने टाइम पे 10-10:15 बजे और रूम खाली होता है, कोई भी नहीं आया होता। तो इसका मतलब यही है कि बाकी सब लोगों ने जो है वो थोड़ा सा लेट आना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे ऑफिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, लेट सिटिंग करते हैं। मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हूँ, उस वजह से जो है वो मुझे लेट सिटिंग नहीं करनी पड़ती, मैं जो अपने टाइम पर घर चला जाता हूँ, लेकिन बाकी लोग लेट सिटिंग करते हैं, तो उन्हें फिर सुबह जो है वो देर से आने के लिए उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना वर्क स्टेशन वगैरह सेट कर लिया, और मेरा ऑफिस का सिस्टम है, मेरा लैपटॉप है, तो इसके ऊपर भी मैं काम करता रहता हूँ, साथ साथ में ऑफिस का पीसी पे ऑफिस का काम भी चलता रहता है। मुझे जो है वो दोनों चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, तो आज भी इसी तरह का कोई सीन है कि मैंने अपना एक शॉर्ट एडिट करना है, और थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट का काम करना है, ऑफिस का थोड़ा सा काम करना है, तो ये सब चीजें एक साथ जो है ना मैनेज करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। दोस्तों ये हमारा चल रहा है लंच टाइम, हमारे जो इन्वेस्टर है आज के अब्दुल बासित, सब हम कंगले हुए हैं, सबसे बड़ा कंगला ये बैठा हुआ। हेलो हेलो हेलो, ट्रांसफर कर देंगे लेकिन तनख्वाह के बाद। नहीं नहीं अभी करूंगा भाई, अभी करेगा, कर दे वो, इन दोनों ने पैसे दे दिए, इनको इसलिए अलग बैठाया हुआ है, जो पे करके खा रहे हैं वो अलग बैठे, सारे मंत्री एक तरफ है। अभी तो 500 रुपए ट्रांसफर करेगा, 513 हो जाएंगे इसके पास, 487 बड़ा टिक भी दिया उसको, 70 रुपए 70 रुपए बच रहे थे, मैंने वो रख लिया, क्या दे रहा है। तो दोस्तों बस मैं ऑफिस से अभी अभी जो है वापस आया हूँ, और अभी बस आके बैठा हूँ मुँह हाथ धोके, और अभी जो है थोड़ी देर में बस मैं नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, पहले मैं जो है वो मुर्गों को दाना वाना डाल रहा हूँ। ये देखें ये दोनों बच्चा पार्टी यहाँ पे मौजूद है, इसने आते इनसे मोबाइल लिया और गेम लगा लिया, वो बाहर बैठा हुआ इब्राहिम जो है अपने पोएम देख रहा है माशा पे, उसको अभी बाहर टीवी पे लगा के दी है, इसको जो है वो अभी मोबाइल दिया हुआ, तो मैं जरा चेंज मेंज कर तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इब्राहिम बैठा हुआ, और वो उसकी जो है वो कार्टून चल रहा है टीवी पे, तो ये अपने कार्टून देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। मुर्गे देखें मेरे आते ही, जैसे मैं घर में घुसता हूँ ना, ये बैठे हुए या लेटे हुए होते हैं तो फौरन अलर्ट खड़े हो जाते हैं, देखें किस तरीके से अलर्ट होके खड़े हो गए। अभी तो मेरे ख्याल पानी चेंज कर देता हूँ, बाकी इनकी कटोरी देखता हूँ कहाँ पर है, इसको फिर कुछ डालता हूँ खाने के लिए। अभी मैं जैसे ही खोलूंगा ना ये बाहर आ जाएगा। हाँ भाई बाहर आना, देख रहे हैं कैसे गेट पे खड़ा हुआ, बस खोलने का इंतजार कर रहे हैं मेरे। ये मैंने खोल दिया और ये आ गया, देखा
ये आते ही जो है ना एकदम पाँव पे जो है ना चोंच मारते, तो इस वजह से थोड़ा पीछे रह के खड़े होना पड़ता है। अभी इसका रास्ता किचन है, किचन में घुसेगा और मैं पानी की कटोरी निकाल के पानी चेंज कर दूँ। देख रहे हैं पानी गंदा हो जाता है और कम हो जाता है, तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको वॉश करके। ये इसको वॉश कर दिया और अब इसके अंदर मैं कूलर से पानी भर दूँ। तो देख रहे हैं कहाँ घुसा जाकर, ये इसके अंदर ये पानी फुल नहीं भरता क्योंकि फिर गिरता है, तो हाफ भर देता हूँ। दूसरा वाला भी जो है वो बाहर आने के इंतज़ार में, लेकिन मैं पहले ज़रा ठीक है तो इनको थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं क्योंकि दो तीन दिन हो गए इनको मैंने खोला नहीं है, तो ये थोड़ी देर खुले रहेंगे। मैं फिर जब तक जो है वो नहा धो के चेंज कर लूँ उसके बाद फिर जो है मैं इनको बंद कर दूंगा, तो थोड़ी देर के बाद इनको बंद कर देते हैं। अभी सारे घर की सफाई हुई है तो इस वजह से जो है वो गंदगी ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी देर में इनको वापस बंद कर देंगे। ये ब्राइन जो है वो आ गया कमरे में के अंदर वापस अपनी पोन छोड़ के, तो सॉरी कार्टून देख रहा था, कार्टून छोड़ के देखे आके इसने गलाबाजियाँ खाना जो है शुरू कर दी। इब्राहिम मिस्टर इब्राहिम इब्राहिम नवाज कम करो इब्राहिम, क्या कर रहे हो? ए मारते नहीं मुझे, बाबा को नहीं मारते यार, देखो भाई मार रहा है। हाँ डांटो भाई को, नहीं मारते नहीं भाई को भी, बुरी यार बुरी बात होती है, मारते नहीं है ओके, मारना नहीं आप बेबी को इब्राहिम, आप भी नहीं मारना ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, क्या है इब्राहिम ये? ओ सबवे सर्फर खेल रहा है, सबवे सर्फर, ओ कैसा लगा? ओ मारते नहीं बाबा को, आप क्यों मार रहे हो मुझे? जी बेटा इब्राहिम ने आप गेम खेल रहे हैं इब्राहिम, ओ देख रहे मुझे लाते मार रहे, ओ लाते नहीं मारते, ओ लाते नहीं मारते, मारते नहीं, ये देखो मार रहे, ये देखो मार रहे, मारते नहीं है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देखो भाई क्या खेल रहे हैं, आपने देखा, ये देख रहे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने और अब पागल हो गया ये ए, 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 ए। तो ये बच्चा पार्टी ने जो है यहाँ पे अपने टॉयज निकाल लिए, रेहान ने ये टॉयज के साथ खेल रहे हैं। अभी ये देखे इसने कितना जबरदस्त ब्लॉक्स के साथ जो है टावर बनाया है, ये रेहान ने बनाया है, रेहान ये पकड़ो, ये किसका है मैंने किया, पकड़ो, कैसा है ये हैं, ये जोड़ दिया था, किसने बनाया है ये, अंकल ने बना दिया ओके। ये देखें अब ये बाकी टॉयज को, अभी इनकी लड़ाई ना हो जाए बस ये। हाँ जी हाँ क्या हुआ, आपको गन से खेलने हैं लो, ये है काओ, काओ पारा करो, काओ को पारा करो, बेबी काओ को पारा करो, और आप भी कर दो। तो रेहान आपने क्या बनाया दिखाएं, दिखाएं ब्लॉग्स दिखाएं आपने, ये आपने बनाया, वाओ इतने प्यारे ब्लॉग्स बनाए आपने, नहीं क्या नहीं, अंकल लॉलीपॉप मैंने आ दिया। और ये गाड़ी किसकी है, गाड़ी आपकी है ओके। माशाल्लाह जो है इसको ब्लॉक्स के साथ खेलने का बड़ा शौक है, तो इसको मैंने ये अच्छे वाले ब्लॉक्स लाकर दिए, पहले इसको मैंने वो छोटे वाले लाकर दिए थे उसके साथ ही खेलता था, लेकिन वो जो है वो टूट जाते थे और गुम हो जाते थे, इससे बनते नहीं थे, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाले मैं लेकर आया हूँ ताकि ये इजीली अपने जो ब्लॉक्स है जो भी इसने बनाना हो ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये इजीली बना लेता है। ये देखेंगे इसके हाथ में भी इस फिलहाल इसके पुराने वाले ब्लॉक्स हैं, छोटे वाले तो आधे से ज़्यादा गुम हो गए हैं, जो बच्चे कुछ हैं वो टूटना शुरू हो गए हैं साइडों से, तो ये अच्छी क्वालिटी वाले ब्लॉक्स इसको मैंने ला कर दिए हैं, तो इसकी वजह से जो है ये आराम से जो है ना अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेता है। बाबा, जी बेटा देखो। क्या देखो, अंकल ब्लॉक्स बना दिए, वाह। तो ये बच्चों का हो गया मैगी टाइम, मैगी खा रहे हैं दोनों, व्हाट आर यू ईटिंग गाइस, मैगी, कैसी है मैगी, बहन कैसी है,
यम्मी है, इसको तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। रान गर्म है, ठंडी है? ठंडी है, सही बताओ, यम्मी है ना? वेरी गुड। अब मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। क्या बना ली है? आप खा लो। वो चीज लेकर आए, क्या लाए हो? बताओ, इतनी सारी लेस। तो बहन किसके लिए लेस लाए? मेरी कहाँ लाओ, मेरी दो, मेरी तो दे दो, लाओ मेरी लेस, मेरी वाली। चॉकलेट नहीं, चॉकलेट आप खा लो, ये मुझे लेस दे दो। ये लो, ये भी फिनिश करो। हाँ, ये मैं खा लूँ। बच्चों की एक लेस मैंने मार ली है, बहुत सारी लेकर आए थे, भूख लग रही है मुझे। अब बेगम साहब अभी रोटी बना रही है, तो मैंने कहा कि जब तक रोटी बन जाए मैं लेस खा लेता हूँ, आसरा हो जाएगा। भूख बड़ी शदीद लग रही है, रोटी बनने में 10-15 मिनट तो लगेंगे, तब तक इससे गुजारा करता हूँ। तो अपनी चीज़ ख़त्म करने के बाद इब्राहिम साहब इस आसरे में कि शायद इनको कुछ और मिल जाए खाली शॉपर के अंदर, लेकिन इनकी उम्मीदें नाकाम होती जा रही हैं, क्योंकि अंदर से फिर खाली रहता है चॉकलेट का, जिसके अलावा इन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिला। तो इसके बावजूद कि कुछ नहीं मिला, ये बच्चा निराश नहीं होता। जी क्या करो? वेरी गुड करो, वेरी गुड, हाई फाइव। यस जी। तो दोस्तों डिनर टाइम हो चुका है और खाना आ चुका है। तो ये आज बना है सालन, देख रहे हैं, गोभी पालक गोश्त, वन ऑफ माय फेवरेट है डिशेज में से ना ये, साथ सलाद रोटी। काफ़ी देर के बाद बोलने के बाद 4-5 दफ़ा के रोटी पका दो, रोटी पका दो, रोटी पका दो। अब रोटी पकी है तो अब जो है खाना खाऊंगा, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। दोपहर का खाया हुआ है और तकरीबन खाए हुए जो है वो 6:30-7 घंटे हो चुके हैं, तो अब बहुत शदीद भूख लग रही है। खाना खाते हैं, अब खाना जल्दी से खाने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो इब्राहिम, आप ब्लॉग्स के साथ खेल रहे हैं? ब्लॉग्स के साथ खेल रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या होता है? उठाओ ना, कौन सा कलर है ये, पता है आपको? ये कौन सा कलर है? ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये वाइट है, ये ऑरेंज है, और बस। ए कट्टू बन गए, कट्टू बन गए। दोबारा बनो, दोबारा बनो। हाँ रेहान देना भाई को, भाई दोबारा बनेगा। इब्राहिम दोबारा बनो, ये बनो बनो बनो, शाबाश। हाँ हाँ, ओ ओ दोबारा बनो, दोबारा बनो। वाह देखो रेहान, इब्राहिम कट्टू बन गए। कैंट कैच नो, लग जाएगी भाई के, रेहान लग जाएगी भाई के। इब्राहिम मॉन्स्टर, ओ लग जाएगी आराम से, लग जाएगी यार। ओ आ गया फिर से इब्राहिम, देखो आ गया रेहान, आ गया रेहान, इब्राहिम आ गया। लड़ो नहीं यार, मारो नहीं। तो अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ नाई के पास खत बनवाने और थोड़े से बालों की सेटिंग कराने, क्योंकि अभी अभी लाइट आई है, इससे पहले लाइट नहीं थी। तो बस मैं जाता हूँ और फटाफट से जो है वो अपने बियर्ड और अपने हेयर कट करा के वापस आता हूँ। फिर नहा धो के व्लॉग भी एडिट करना है और यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा काम पेंडिंग है वो भी करेंगे, और बच्चे जो है जब तक खा पी रहे हैं। लेकिन इनको मैंने दोबारा चीज़ ला के दिए, इब्राहिम भी अभी लेके गया, तो ये भी जब तक अपनी चीज़ वीज़ खा लेंगे। और लाइट अभी दोबारा जानी है, 1-1.5 घंटे के लिए आती है, उसके बाद 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए दोबारा जाती है। तो फिर लाइट जब दोबारा आ जाएगी उसके बाद फिर जो है वो आप लोग ऐसे वैसे चला के कमरा बंद करके बच्चों को सुलाते हैं। जी तो दोस्तों मैं बाल बाल कटवा के आ चुका हूँ, सारा भी बालों के अंदर भरा हुआ हूँ, बस खा के नहाऊंगा। और ये चेक करें, बच्चा पार्टी यहाँ पे, ये यहाँ पे फुल बच्चा पार्टी, मस्ती में मगन है, स्कूल है। ये रेहान इब्राहिम दोनों जो लोग हैं,
तो मैं सुबह जाके जो है फटाफट नहा धो के आता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, लाइट भी जाने वाली है और सारा मैं बालों में भरा हूँ, सारा जो है ना ये चुभ रहे हैं बाल, गर्मी है, शर्ट भी मोटी है ना इसकी वजह से और पसीने आ रहे हैं। जी तो दोस्तों मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, बाल बाल कटवा लिए हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवा ली है, बहुत ज़्यादा शेप जो है तंग कर रही थी गर्मी की वजह से, बाल चुभ रहे थे, सर के बाल भी बहुत बड़े हुए हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो वीकेंड का छोड़ो इंतज़ार, हम कटवा ही लेते हैं। लेकिन फिर मैं जो है वो मैं चला गया कटवाने के लिए और हार्डली एक घंटा लगा कटवा के आके सारे काम खत्म करके और आके जो है वो मैं नहा धो लिया और अब जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब बस बच्चों को लिटाने के बाद मैं अपना ब्लॉग वगैरह एडिट करूँगा। तो रेहान जो है वो इस टाइम अपना नाश्ता कर रहा है, अंडा और ब्रेड, और इब्राहिम उसको ज्वाइन करने के लिए आया है, चाय अंडा और ब्रेड जो है इस टाइम खा रहे हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बजे रात के और रेहान जो है वो अंडा बनवा के लाया स्पेशल, इब्राहिम भी ये देख रहे हैं भूखे हो रहे हैं, दोनों टाइम पर खाना नहीं खाया, सिर्फ चीज़ से गुजारा किया हुआ। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे इसके साथ ही एंड करेंगे, रात हो गई है, बस बच्चों को सुलाने लगे, खिलाने लगे। जी बेटा ओके, तो बस बच्चों को सुलाने लगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और चैनल पहली दफा है तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह के अमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह के डेली ब्लॉग आप चैनल लेके आता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर मेरे ब्लॉग देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।